हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, क्या आप वडोदरा गुजरात के बोर्डिंग स्कूल सर्च कर रहे हैं मगर बढ़िया बोर्डिंग स्कूल नहीं मिल रहा, या आपको अपने बच्चे का वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराना है मगर आपको एडमिशन प्रोसेस पता नहीं है, या फिर कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जो घर बैठे आपको वडोदरा के सारे बोर्डिंग स्कूल की जानकारी दे दे और आपके बच्चे का आपके पसंद के अनुसार वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दे, नो वरीज। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ प्रगति और आज मैं आपको वडोदरा गुजरात के बोर्डिंग स्कूल से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी जैसे कि वडोदरा बोर्डिंग स्कूल की एवरेज फीस, एडमिशन टाइमिंग, एडमिशन प्रोसेस, मेडिकल फैसिलिटी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड रिजल्ट्स के साथ साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगी जिन्हें वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, जिनकी एडमिशन एंड काउंसलिंग की सर्विसेज पेरेंट्स के लिए 100% फ्री है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो वडोदरा के किसी भी प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करती है, वो भी बिल्कुल फ्री। इस कंपनी के द्वारा एडमिशन या काउंसलिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो पेरेंट्स, वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल्स और बोर्डिंग एडी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई जरूरी जानकारी छूट जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस। वडोदरा, जिसे पहले वडोदरा नाम से जाना जाता था, गुजरात राज्य का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह एक शहर है जहाँ का महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय अपने सुंदर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। वडोदरा गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है। वडोदरा शहर वडोदरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय पूर्वी मध्य गुजरात राज्य पश्चिम भारत अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व में विश्वामित्र नदी के तट पर स्थित है। वडोदरा को बड़ौदा भी कहते हैं। इसका सबसे पुराना उल्लेख 812 ईसा के अधिकार दान या राजपत्र में है, जिसमें इसे बाद पद्रक बताया गया है। इसे अंकोत्का शहर से संबंध बस्ती थी। इस क्षेत्र को जैनियों से छीनने वाले दोडिया राजपूत वंश के राजा चंदन के नाम पर इसे चंदनवाटी के नाम से भी जाना जाता था। समय समय पर इस शहर के नए नामकरण होते रहे, जैसे बारावती, वातपत्र, बड़ौदा और 1971 में वडोदरा। इस शहर का एक प्रमुख स्थान बड़ौदा संग्रहालय और चित्रदुर्गा है, जिसकी स्थापना बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने 1894 में उत्कृष्ट कलाकृतियों के प्रतिनिधि संग्रह के रूप में की थी। इसके भवन का निर्माण 1908 से 1914 के बीच हुआ और औपचारिक रूप से 1921 में दुर्गा का उद्घाटन हुआ। इस शहर में उत्पादित होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में सूती वस्त्र तथा हथकरघा वस्त्र, रसायन, दिया सलाई, मशीनें और फर्नीचर शामिल है। वडोदरा का लंबा इतिहास इसके कई महलों, द्वारों, उद्यानों और मार्गों से परिलक्षित होता है। यहाँ सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय 1949 तथा अन्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थान है, जिनमें इंजीनियरिंग संकाय, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वडोदरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, कला भवन तथा कई संग्रहालय शामिल हैं। वडोदरा गुजरात में देश के कुछ बहुत ही बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल्स हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने बच्चे को वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाह रहे हैं तो बोर्डिंग एडियो आपको यह सजेस्ट करता है कि आप स्टेट या सिटी के बारे में जानकारी जरूर हासिल करें जहां आप अपने बच्चों को बोर्डिंग एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं। That means you must know each and everything about the location. Parents, आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, उस स्टेट या सिटी में बाय एयर, रेल और रोड के माध्यम से कैसे पहुंचा जाए। दूसरी, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्या आपके बच्चे को सूट करेगी। वडोदरा के बोर्डिंग स्कूलों में आपके बच्चे के चहुंमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चा केवल किताबी शिक्षा न लेकर खेल कूद अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दे पाता है। अगर आप अपने बच्चे को वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल भेजने की सोच रहे हैं तो हमारे काउंसलर्स इस पूरे प्रोसेस में शुरू से लेकर अंत तक आपको गाइड करेंगे और बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के बाद भी आपका
आपका और आपके बच्चे का फीडबैक लेकर सुनिश्चित करेंगे कि आपका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। जिस तरह एक डॉक्टर अपने मरीज की नब्ज पकड़ता है, उसी तरह बोर्डिंग रेडियो में हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस काउंसलर्स आपके बच्चे से बात करके उसके लिए वडोदरा का वो बोर्डिंग स्कूल चुनने में आपकी मदद करते हैं जो उसके लिए बिल्कुल सही हो। एक दशक से भी ज्यादा इस फील्ड में काम करने की वजह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत गहरा है। आप अपने बच्चे के बोर्डिंग एजुकेशन के लिए हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हमें वडोदरा के टॉप एंड बेस्ट बोर्डिंग स्कूल की पूरी एवं विस्तृत जानकारी है। हमें पता है कि बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में किनसे बात करनी है। हम सुनते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एडवाइस करते हैं। हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट्स इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी आदि भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसी फैमिलीज जिन्हें इंग्लिश में बात करने में परेशानी होती है, हम उनका माउथपीस बनकर उनके बिहाफ में बोर्डिंग स्कूल से बात करते हैं और एडमिशन कराने में उनकी मदद करते हैं। हमारी सभी सेवाएं पेरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। हम आपके बच्चे के लिए बेस्ट बोर्डिंग स्कूल चुनने में बिल्कुल फ्री इम्पार्शियल एडवाइस और गाइडेंस देते हैं। वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 8828912891 नंबर पर फोन करें या हमें admin@boardingedu.com पर मेल करें। जनरली ऐसा माना जाता है कि बोर्डिंग स्कूल्स बच्चों की एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। वडोदरा गुजरात के बोर्डिंग स्कूल्स पेरेंट्स की शिक्षा को अपने क्रिएटिव करिकुलम, लिटरेसी, न्यूमेरेसी स्किल्स, रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देकर पूरा करते हैं। वडोदरा में बोर्डिंग स्कूल्स अपने वर्ल्ड क्लास कैंपस में हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन देते हैं। साथ ही साथ वडोदरा में बोर्डिंग स्कूल्स एकेडमिक एक्सीलेंस देने के साथ साथ बच्चों को फिजिकली फिट, एक्टिव और हेल्दी भी रखते हैं। जब आप अपने बच्चे को वडोदरा के टॉप एंड बेस्ट बोर्डिंग स्कूल एडमिशन कराने की बात सोचते हैं, तब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वडोदरा का हर बोर्डिंग स्कूल आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो सभी पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए, जैसे कि आपके बच्चे की उम्र, आपका बच्चा कितना जिम्मेदार है, क्या बोर्डिंग स्कूल जाने से आपके बच्चे को फायदा होगा, आपका बच्चा इस फैसले से कितना सहमत है, साथ ही साथ आपकी फैमिली की वैल्यूज, गोल्स और प्रायोरिटीज क्या है, आपके बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने के लिए आपका बजट क्या है, आपके बच्चे की पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल, एकेडमिक एबिलिटी क्या है। बोर्डिंग एडू में हम हमेशा आपको इस पूरे प्रोसेस में गाइड और एडवाइस करते हैं और आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल्स में भेजने का डिसीजन कितना बड़ा और मुश्किल काम है हम समझते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तब उनका डरना लाजमी है। बोर्डिंग एडू की हमेशा कोशिश रहती है कि वह बोर्डिंग स्कूल्स की ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए जिससे पेरेंट्स और गार्जियंस को उनके बच्चे के लिए सही बोर्डिंग स्कूल ढूंढने में मदद मिले। हम आपको बोर्डिंग स्कूल्स की बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। हम पेरेंट्स को उनके बजट, प्रेफर्ड लोकेशन और चॉइस ऑफ करिकुलम के हिसाब से सही बोर्डिंग स्कूल ढूंढने में मदद करते हैं। सौभाग्य से हमारे काउंसलर्स पेरेंट्स को बोर्डिंग एजुकेशन से संबंधित उनके किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है। वडोदरा के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए पेरेंट्स हमें 8828912891 नंबर पर कॉल करें। अब हम एक झलक में देखते हैं कि हम पेरेंट्स को वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल के लिए क्या क्या सर्विस देते हैं। अपने बच्चे के लिए बोर्डिंग स्कूल ढूंढ रहे माता पिता और गार्जियंस को बोर्डिंग एडू प्राइवेट लिमिटेड शुरू से अंत तक की कार्यवाही, जैसे कि बोर्डिंग स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, बोर्डिंग स्कूल सिलेक्शन, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, बोर्डिंग स्कूल विजिट अरेंज करना, पेरेंट्स और वडोदरा में बोर्डिंग स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करना, एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिव्यू करना कि वो ठीक से भरे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों में मदद करता है। डियर पेरेंट्स, बोर्डिंग एडू में हमारे काउंसलर्स पेरेंट्स को बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के जनरल प्रोसीजर के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि गार्जियन से बात करके उन्हें इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, चाहे वह एप्लीकेशन क्राइटेरिया हो, स्टडी मेथड, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज, स्कूल रैंकिंग या एकेडमिक बेनिफिट्स। स्कूल के बारे में अधिक जानकारी न केवल आपको सशक्त बनाती है, बल्कि आपकी मंजिल को परखने के लिए भी आपको एनकरेज करती है। वडोदरा में कई तरह के बोर्डिंग स्कूल होते हैं, जैसे कि ओनली गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, ओनली बॉयज बोर्डिंग स्कूल, कोएड बोर्डिंग स्कूल, क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल, इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल आदि। वैसे तो वडोदरा में बोर्डिंग स्कूल की एवरेज एनुअल फीस 1-3 लाख से शुरू होती है, बट ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। वडोदरा के बोर्डिंग स्कूल में टीचर स्टूडेंट एवरेज रेशियो 25:1-30:1 होता है। डियर पेरेंट्स, वडोदरा गुजरात के बोर्डिंग स्कूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा भी आपके पास ढेरों प्रश्न होंगे। आप हमसे वडोदरा ही नहीं बल्कि देश के किसी भी प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त
बॉक्स में मिल जाएगा। आप अलग अलग स्टेट के टॉप 5 बोर्डिंग स्कूल्स को भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे बोर्डिंग एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। हमारे वीडियोस फॉलो करें जिनकी मदद से आपका बोर्डिंग स्कूल ढूंढने का काम आसान बनेगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से और कैसे शुरुआत करें तो हमें 8828912891 नंबर पर फोन कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारे एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस एजुकेशन काउंसलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके मनपसंद और आपके बजट में फिट होने वाले बोर्डिंग स्कूल तक पहुँचाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो है www.boardingedu.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। नमस्ते, थैंक यू।